मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन में कई वर्षों से वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर किले का निर्माण करने वाले नामचीन पीर खुशहाल के किले पर भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से आए पीर खुशहाल नाम के व्यक्ति ने 1964 में लगभग वन विभाग की 100 बीघा जमीन को लीज पर लिया था। समय के साथ साथ पीर खुशहाल ने उसी जमीन पर अवैध निर्माण करते हुए मस्जिद और एक किले का निर्माण किया था, जिसमें 400 से ज्यादा कमरे बनाए गए थे। साथ ही किले की निगरानी के लिए CCTV कैमरे और सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। पीर खुशहाल के इस तिलस्मी किले को आज तक कोई भेद नहीं पाया था। सूत्रों की माने तो पीर खुशहाल उसके परिवार के सैकड़ों सदस्यों के 2 ट्रक LPG गैस सिलेंडर और आए दिन बड़ी तादाद में रसद सामग्री अरब देशों से हुई फंडिंग से मुहैया कराई जाती थी, जहां सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहां पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। शुभ तीर्थ के बराबर में ही वन्य अभयारण्य का बहुत बड़ा इलाका है, जो उत्तराखंड के हरिद्वार से होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों को जोड़ता है। इसी इलाके में एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां काला बादशाह की कई वर्षों से सत्ता चली आ रही है। ये वो शख्स है जिसे लोग पीर खुशहाल के नाम से जानते हैं। पीर खुशहाल ने सन 1964 में अपनी सल्तनत की शुरुआत की थी। उसके बाद उसने अपनी सल्तनत को राजनीतिक नेताओं में भी बढ़ाया। उसका वर्चस्व बढ़ता चला गया। 1979 में पीर खुशहाल ने अपना भारतीय मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाया, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया था। पीर खुशहाल की ख्याति इतनी बड़ी कि राजनेताओं के साथ अधिकारी भी उनकी चौखट पर दर्शन के इंतजार तय करने लगे थे। उसके पास कई मुस्लिम देश के लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता था। यहाँ से पीर खुशहाल ने तबलीगी जमात और इस्लाम के प्रति लोगों को धार्मिक संदेश देने शुरू कर दिए थे। विदेशी लोगों का रात में आना और उसी रात में वापस जाना भी संदेह में लाता था। मार्च सन 2009 को CBI ने पीर खुशहाल व उसकी पत्नी को गाजियाबाद से फेमा के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार किया था। लोग बताते हैं, सोचने वाली बात यह है कि जब पीर खुशहाल के यहाँ पर डीजल के भरे ट्रकों का क्या करता था। अक्सर माह में 3 से 4 ट्रक डीजल की कहाँ खपत होती थी। गैस से भरे सिलेंडरों की गाड़ियां भी इस रफ्तार से वहाँ आती थी। आखिर ऐसा क्या काम होता था। BSP की सरकार थी। 7 अप्रैल 2009 को मुख्यमंत्री मायावती के विशेष सचिव कुंवर फतेह बहादुर व DGP करमवीर सिंह आए थे। मुजफ्फरनगर और पत्रकारों द्वारा पीर खुशहाल के बारे में पूछने पर तत्कालीन CDO रविंद्र गोडबोले SPCT राजीव मल्होत्रा को मौके पर भेजकर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। लेकिन सपा और बसपा की सरकार में पीर खुशहाल के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ कागजों पर की गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के कार्यकाल में एक बार फिर आज बुधवार देर शाम को जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बिहारगढ़ किले पर पहुंची और पीर खुशहाल के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का बीड़ा उठाया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि DFO द्वारा अवगत कराया गया था कि बिहारगढ़ का पकड़ है, जिसमें वन विभाग जमीन की लीज खत्म हो गई थी। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय भी वन विभाग के फेवर में आया था। इसके अलावा हाई कोर्ट और शासन भी इसकी समीक्षा करता है। इसमें निस्तारण के लिए आदेश दिए जाते हैं, जिसने माननीय उच्च न्यायालय में आदेशों का अनुपालन करते हुए उसी क्रम में अवगत कराया गया था। आज इनकी लीज समाप्त हो चुकी थी। इनको 2 बार नोटिस भी भेजा गया। नोटिस के बाद भी इसको खारिज नहीं कराया गया। वन विभाग में अपना बोर्ड भी लगाया था। DFO साहब की टीम द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वहां पर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। ये जमीन लगभग 100 बीघा के आसपास बताई जा रही है। उस पे कुछ निर्माण किया हुआ है, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। ये जमीन शासन की तरह से 30 साल पहले लीज पर दी गई थी। इसकी लीज 2 बार समाप्त भी हो चुकी थी। DFO साहब ने बताया था कि लास्ट आदेश हाईकोर्ट का था, उसके बाद 2 नोटिस भी जारी किए गए थे। पीर खुशहाल हैं जिनको लीज दी गई थी। इस जमीन पर आवास बने हुए हैं, कुछ बैरक बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है। उनके बैरक खाली थे, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। पीर खुशहाल ने न सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह किया, बल्कि विदेशों से होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया। पीर खुशहाल ने 3 महिलाओं से शादी की, जिसमें एक पाकिस्तानी से है और अफगानिस्तान की महिला है। क्या कहना है अमित सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन का, सुनिए। DFO साहब द्वारा अवगत कराया गया था कि एक प्रकरण जो बिहारीगढ़ का है, जिसमें वन विभाग की ज़मीन पर लीज खत्म हो चुकी थी और माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय था वो भी वन विभाग के फेवर में था। इसके अलावा इसकी समीक्षा हाईकोर्ट भी करता है, शासन भी करता है कि जितने प्रकरण हमारे हाईकोर्ट से जो जिसमें प्रत्यावेदन के निस्तारण के लिए आदेश दिए जाते हैं, उन सारे प्रकरणों को भी निकाला जा रहा है ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर सकें। उसी क्रम में आज ये अवगत कराया गया था कि इसमें इनकी लीज चूँकि समाप्त हो चुकी थी और 2 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया था इवैक्यूएट करने के लिए, बट उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था, ना ही खाली किया गया था। इसके अलावा वन विभाग ने अपना वहाँ पर बोर्ड भी लगाया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी क्रम में आज जो है DFO साहब की टीम ने पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर वहाँ पे कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। क्या कहती है पीर खुशहाल की पत्नी, देखिए। मेरा जान तो मैं शाम में दोबारा गई यहाँ से,
तकलीफ में मेरा मुंह सूजा हुआ था, फिर भी मैं गई और मेरे तरफ से आदमी जा चुका था, उन्होंने सारी वो दे दी थी एप्लीकेशन भी तमाम, उस नोटिस का हमने पूरा जवाब दे दिया था। ताजा रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर।